नमस्कार। astrodevam.com की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। पिछले 6 वीडियोज में हम लोगों ने दीपावली के आपको 6 टिप दिए। अब अगली 7वीं टिप के लिए ये है, अपनी बिल्डिंग, अपनी इंडस्ट्री, अपनी शॉप, अपने घर के अंदर जितनी भी उपकरण हैं, गैजेट्स हैं, उनको ध्यान से देखिए। क्या कोई ऐसा कोई गैजेट, कोई उपकरण, कोई यंत्र खराब पड़ा हुआ है? एक खराब टीवी, एक स्विंग मशीन, एक रुक रुक के आवाज करने वाली वॉशिंग मशीन, एक ड्रायर, एक वैक्यूम क्लीनर या मोबाइल, कुछ भी हो सकता है, तुरंत तुरंत मरम्मत करें। ये सारे दुर्भाग्य को लाने के बहुत बड़े कारण हैं। ये आपको इरिटेट तो करती ही है, लेकिन आपको लिए सौभाग्य का रास्ता भी, सौभाग्य का रास्ता भी रखती है। ये बहुत जरूरी है, इस सारी उपकरणों को आप सही कराएं, और खासकर वो जो कर्कश आवाजें कर रहे हैं, क्योंकि हर एक खराब उपकरण एक गंदी ऊर्जा को, एक बुरी ऊर्जा को, बुरी ताकतों को आपके घर में प्रसारित प्रसारित। ऐसा चाहेंगे आप? रुक रुक के चलने वाला पंखा, अजीब आवाजें करने वाला पंखा निकाल दीजिए, सही कराइए, ऑयलिंग कीजिए। और उपकरण ही नहीं, जहां जहां जिन जिन दरवाजों में से अजीब आवाजें निकल रही हैं, कर्कस आवाजें निकल रही हैं, उनको सही कराइए, ऑयलिंग कीजिए, उनके कब्जों में तेल डालिए, और साथ साथ इनकी आवाजें सही करते करते आप भी अच्छे ढंग से मीठी बाड़ी में बोलना सीख लीजिए। कर्कश स्वर में बोलना, कठोर बातें बोलना दुर्भाग्य लगता है, दुर्भाग्य लगता है। मीठी बाणी बोलिए, मन का आपा खोल, और उनको शीतल करे, आप खुशी करो, मीठी बाणी ना अपने घर में कर्कश आवाज आने दीजिए, और न ही आप कर्कश स्वर में बोलिए, और मधुर ध्वनि वाले विंड चाइम, घंटियां लगाइए। देखिए जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आएगा, बदल जाएगी। यह है हमारी 7वीं टिप दीपावली के शुभ अवसर पर astrodevam.com की तरफ से। नमस्कार।